तो अभी मैं चावड़ी बाजार में हूँ और इट इज एक्सट्रीमली हॉट कम्पेयर टू इंग्लैंड। सारे कुरेशी कबाब है, देखते हैं खुला है। देखते हैं, जामा मस्जिद मेन फूड स्ट्रीट है और शाही शीरमा ले ये और हाजी एकदम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल बींग विवेक शर्मा। नमस्ते अंकल जी। तो अभी मैं आया हूँ चावड़ी बाजार लॉकडाउन के बाद, देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल है। कैसे हो भैया, ठीक हो? क्या माहौल है, काम हम स्टार्ट हो गया ठीक से? ग्राहक है? बिल्कुल नहीं है। तो अंकल जी है यहाँ पे, बोल रहे हैं बिल्कुल ग्राहक नहीं है। तो आपको कुछ लेना है तो चावड़ी बाजार आ सकते हैं और अंकल से केले ज़रूर ले, क्यों अंकल? तो अभी मैं चावड़ी बाजार में हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट लगभग ओपन हो गई है। किसी को वेडिंग कार्ड छपवाना है वो आ सकता है यहाँ पे। भाई साहब मारो ये, कोई बात नहीं अंकल, ठीक ठाक? हाँ कैमरा बिल्कुल। तो ये वेडिंग कार्ड्स वगैरह की दुकान है और आपको मैं स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ है, मेरे प्रिय मित्र हैं निकुंज यदुवंशी जी। हाय टू द व्यूअर्स, आई एम डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड। या ब्रो, फाइंडिंग इंडिया वेरी ब्यूटीफुल। या दिस इज, यू नो ब्रो, दिस इज चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार या इट्स वेरी फेमस मार्केट। ही इज फ्रॉम यूके, लंदन। वेरी नाइस, ही इज फ्रॉम लंदन। ही डोंट नो होगा, डजंट नो होगा। Sorry, what are you trying to say? He doesn't know Hindi. I do not know Hindi. There is one copy. So, how you found India in this weather, bro? It is extremely hot compared to England. But yeah, I like being in hot summer. You know, tanning. देखो यहाँ पे मार्केट सा अभी ओपन हो गई है और रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, दुकानें हालांकि पूरी नहीं खुली, अभी थोड़ी बहुत खुली हुई है। ये नई सड़क आती है क्या? नहीं, चावड़ी बाजार रही है। तो ये चावड़ी बाजार मेन रोड है। सो वेडिंग कार्ड्स की दुकान जो है बहुत कम खुली है, बाकी हम पीछे आए थे हार्डवेयर वगैरह की शॉप थी वो लगभग खुली हुई थी सारी। तो आप अगर हार्डवेयर लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे एक दिन। बुक्स की भी एक शॉप है, बुक्स की शॉप है, आप बताइए ना निकुंज कुछ। वो दिखाइए ना सर आप। हाँ, ये बुक्स की दुकान खुली हुई है। ये कौन सा, ये देहाती पुस्तक खुली हुई है। तो आप बुक्स वगैरह लेना हो तो आ सकते हैं। नहीं, ये वाली रोड नई सड़क की है मेरे ख्याल से। ये यहाँ ना, ये बुक्स वगैरह की दुकान है ना। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हालांकि अभी जाते हैं कुछ निकुंज, कुछ खाने पीने का है जुगाड़, इंतजाम है कुछ खाना पीना है? खाने पीने का भी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की ओर। हाँ, वहाँ जाके देखते हैं कि कितनी खाने पीने की दुकानें जो है वो खुली हुई है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी अच्छा है, जितनी ज़्यादा भूख लगती है उतना ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। सो आई डोंट नो फूड ब्लॉगिंग, तो ज़्यादा फूड की स्पेसिफिकेशन नहीं बता पाऊंगा। तो और सुनो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो देखो बड़ी जल्दी। तो आप ये देख सकते हैं सामने जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है जी। तो आप सामने देख सकते हैं ये जामा मस्जिद है चावड़ी बाजार के बिल्कुल टी पॉइंट पे। निकुंज जी थोड़ा साइड हो जाओ, हो गया सिनेमैटिक ले लिया मैंने। आई एम सॉरी यार। सो ये जामा मस्जिद है, अब यहाँ से मुड़ते ही थोड़ा आगे जाते ही फूड स्ट्रीट चालू हो जाता है। तो फूड स्ट्रीट भी देखेंगे कि क्या सीन है फूड स्ट्रीट का, कुछ खाने का है कि नहीं है। मुझे पता है आप लोग घर बैठ के बोर हो गए हो। सो अभी हम आ चुके हैं फूड स्ट्रीट पे, यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं और यहाँ पे अल जवार, कुरेशी कबाब और कौन कौन सा है निकुंज फेमस? असलम चिकन कॉर्नर, बहुत पुरानी दुकानें हैं। और ये तो बहुत फेमस शॉप्स है, इसके अलावा भी नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं पुरानी हैं वहाँ भी अच्छा खाना मिल जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको जो फेमस शॉप्स है उस पर ही अच्छा खाना मिलेगा, नॉर्मल जो शॉप्स है उन पर भी आपको अच्छा खाना यहाँ मिल जाता है, कबाब वगैरह। और रेट भी यहाँ बहुत सही है। तो आप देखो भाई जान, ये जामा मस्जिद का कौन सा गेट है? गेट नंबर एक, ठीक है, थैंक यू भैया। सो ये गेट नंबर एक है और यहाँ पे गाड़ी के आपको टायर वगैरह भी मिल जाते हैं।
क्या है भैया? अरे फिर से एक बारी करियो करियो। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात ऐसे नहीं करते। बच्चों को क्या सिखा दिया अंग्रेजों ने, ऐसे करना गाली होती है ये। हैं? हाँ एक मिनट भैया जी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी इस वक्त। वेयर इज निकुंज ब्रो? आई वॉज सर्चिंग यू। क्या हाल है? ये कैमरा है, टीवी पे आ रहे हो? तो भाई ये छोटा बच्चा पूछ रहा था क्या है ये, मैंने बोला कैमरा है। तो यहाँ पे आगे अभी हम जा रहे हैं, कुरेशी कबाब है, देखते हैं खुला है कि नहीं। पहले देखते हैं खुला है कि नहीं, अगर खुला होगा तो वहाँ पे कबाब ले लेंगे थोड़ा बहुत, ले लेंगे भाई। तो यहाँ पे हो चुकी है खाने पीने की दुकानें स्टार्ट, और अभी हम जा रहे हैं कुरेशी के कबाब के पास। कुरेशी कबाब पे जा रहे हैं। ये देखो अल निसार कबाबी शॉप का नाम है, ये खुली हुई है यहाँ पे। उर्दू बाजार है ना ये, उर्दू बाजार बोलते हैं इसे, देख लिखा हुआ है उर्दू बाजार। ये जामा मस्जिद और ये खाने पीने की दुकानें हैं। हालांकि ट्रैवल एंड टूरिस्ट पूरा बंद है, तो ट्रैवल एंड टूरिस्ट की शॉप। और भैया ट्रैवल हो रहा है अभी? बसें वगैरह मिल जाती है बाहर की? तो बाहर की बस वगैरह भी आपको मिल जाती है यहाँ से, अभी बताया इन्होंने भैया ने। अगर जामा मस्जिद चांदनी चौक फूड स्ट्रीट पर आना है ना, तो शाम को यहाँ पे एक अलग ही रौनक होती है। शाम को आपको तो ये मीना बाजार है, ये मीना बाजार के अंदर क्या है भाई? तो अभी हम आए हैं कुरेशी कबाब पे। कुरेशी कबाब बंद है क्या? अंदर है। बंद है? अरे मेरे दोस्त क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? सब बढ़िया। बस ये बंद है कुरेशी कबाब? अंदर खुला है? वैसे बंद है, वैसे बंद है, अंदर खुला हुआ है। पैकिंग है? अच्छा पैकिंग है। क्या करना है अभी, खाए या फिर उधर से होके आया फिर खाते हैं? खा ले खाना तो अभी, या फिर उधर से होके आ जाते हैं पहले। चलो चले। तो अभी मैं आ चुका हूँ ये, तो ये देख सकते हैं जामा मस्जिद मेन फूड स्ट्रीट है, और क्राउड बहुत है यहाँ पे, आप कुछ भी आके खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत पुरानी शॉप है, 100 साल 200 साल पुरानी, इतनी जिनके पूर्वज दुकानें चलाते हुए आ रहे, ऐसी शॉप्स है यहाँ पे। लाइक आपने सुना होगा अल जवाहर, करीम्स कबाब की दुकान है ये भी। बट हम जो कबाब खाएंगे निकुंज, हम तो कुरेशी से खाएंगे। हम कुरेशी के खाने वाले हैं, और अभी हम वहीं जा रहे हैं। हम कुरेशी कबाब से ही कबाब खाएंगे। और क्या हाल है भैया? ठीक हो? ये कुछ बच्चे लोग साइकिल चला रहे हैं। भैया जी थोड़ा सा साइड हो जाना प्लीज़। ठीक हो? इतनी भीड़ में साइकिल कैसे चला लेते हैं यार? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो यार। यहाँ खीर वगैरह मिल रहा है, शाही टुकड़ा की बहुत फेमस दुकान है ये भी। भाई यहाँ का निकुंज शाही टुकड़ा भी बहुत फेमस है। ये क्या है अंकल जी? ये शाही शीरमाली, ये शाही शीरमाली ड्राई फ्रूट। अच्छा ये शाही शीरमानी, शाही शीरमाल, शाही शीरमल है ये, और हाजी एकदम ओल्ड फेमस। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 35 वाला नॉर्मल बादाम के अंदर आता है। 35 रुपीस का? 35 का है बस। निकुंज ले ले एक। अरे यार आप दो एक 35 वाला। नॉर्मल 3 बादाम में। अरे वो ब्रेड टाइप है, कोई बात नहीं। 35 वाला एक देना, 200 रुपए का एक 35 वाला हमें दे दो, हम भी टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे दे दो खाना है हमें। भाई जान ऐसे ही खाते हैं, किसी चीज के साथ खाते हैं? चाय के साथ खा लो यार, चाय से खाओ, दूध से खाओ। मीठा हुआ ये? मीठा हुआ आप खा के देखो, उसके अंदर निकाल के पकड़ना नहीं। कौन एक बारी मेरी तरफ घुमा के? हाँ तो अभी हम खा रहे हैं ये शाही, जो भी नाम था मैं भूल गया, इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ। शीरमल, शीरमल है। शीरमल, हाँ शीरमाल, शीरमाल। अच्छा इसके अंदर माल डाला हुआ है इसलिए। ये दुकान कितनी पुरानी है आपकी? ये सर इस टाइम की 67 की। 67 की? 96 से 96।
तो आपको शाही शीरमल खाना हो तो यहाँ पे आ जाए। सबसे पुराना नॉर्मल शीरमल लेता है हमारा, नॉर्मल शीरमल है ये, मुगलों के जमाने से चलता हमारा शीरमल है। मुगलों के जमाने का है? अच्छा। और जलेबी के साथ साथ गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी है। ये मावा जी, अगर आप देखते रहिए ये पकते पकते बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी भाई, देखिए। ओके, तो आप फूड स्ट्रीट आए तो यहाँ पे जरूर आए, आपको गर्मा गर्म मिल जाएगा। निको सर, टी विवेक शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी वीडियो को आगे तक लेके जाएं और हमारी दुकान पे जरूर आए। हाँ, और शाही शीरमाल की दुकान पे जरूर आए, ये और फेमस शॉप है हाजी आदम रहमतुल्ला होटल शाही शीरमाल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, चलो आ जाओ। तो अभी हमने ले लिया शाही माल, अब उसके बाद जा रहे हैं कुरेशी कबाब पे, चिकन खाने के लिए, कबाब खाने के लिए। कुरेशी कबाब में अभी सिटिंग नहीं है, पैकिंग का है ओनली, तो हम अंदर की साइड में पैकिंग होती है, तो अंदर की साइड से हम लेने जा रहे हैं, पैकिंग अंदर होती है। तो ये देख लो कुरेशी कबाब की गली है, तो कुरेशी कबाब में अभी सिटिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ पैकिंग है, है ना भैया? तो हम पैकिंग के लिए लेने आए हैं। भाई निकुंज क्या ले रहा है? कौन सा लेना है? चिकन, चिकन, चिकन कबाब। हाँ, तो चिकन कबाब ले रहे हैं, बाकी देखते हैं खा के बताते हैं क्या हिसाब किताब है। क्यों, क्या नाम है आपका भाईजान? चांद शेफी। ये हमारे भाईजान है चांद शेफी जी। सब ठीक ठाक पढ़ते हो, क्या करते हैं? ठीक है। और कैसे भैया, ठीक ठाक? चलो, ये भी हमारे भाई जाना है, आपका क्या नाम है? सुहेल। सुहेल भाई जाना है हमारे, हाई कर दो भैया और बोल दो सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो कुरेशी कबाब से खा लिए हमने कबाब और अभी हम जा रहे हैं अल जवार पे, जो कि बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे खाने के लिए। यही तो है मेरे ख्याल से अल जवार, नहीं नहीं ये जवा, यही है मेरे ख्याल से अल जवाहर। तो अल जवाहर पे हम जा रहे हैं, चलो फिर। तो ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, अल जवाहर जो है अभी बंद है, मंडे से खुलेगा अल जवाहर। तो ये करीम्स है जो कि बंद है अभी, देखो कब खुलता है करीम्स, मेरे ख्याल से मंडे से खुल जाए। कब से खुलेगा अंकल, कुछ आइडिया है? तो बंद हो रखा है बाकी। हाँ जी, अच्छा आप खुद यहीं आए? ओके ओके ओके। तो सर एक थे हमारे, वो भी खुद आए थे यहीं पे, लेकिन करीम्स बंद है, तो बंद है तो क्या कर सकते हैं। देखो कब खुल, कब खुलेगा, कोई आइडिया है? हाँ जी, आप यहीं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देख लो करीम्स से यहाँ रोटियाँ बनती है और ये रेस्टोरेंट है जो कि बंद हो रखा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों भैया, ठीक हो? मतलब आज भी दुनिया में इंसानियत है। तो ज़्यादातर दुकानें अभी अभी बंद मिल रही है, तो अभी फाइनली पता चला असलम चिकन टिक्का खुला हुआ है, तो असलम चिकन टिक्का पे जा रहे हैं और मेरे साथ निकुंज है। निकुंज क्या भूख लग रही है? बहुत भूख लग रही है, मतलब जान निकले जा रही है। और ये मेरे को गालियाँ दे रहा है कि विवेक यार क्या कर रहा है तू, कब से घुमाए जा रहा है, कुछ खिला नहीं रहा। ठीक है, मेरी बात सुन, पिछले बार के 10 रुपये नहीं दिए, काउंट्री करेंगे हम, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, बोलना बोल क्यों नहीं रहा? सो हम लोग काउंट्री करके खाएंगे। निकुंज पिछले बार के 10 रुपये उधार है? बिल्कुल भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो 100-100 रुपये मिलाएंगे और जो लगेगा वो खा लेंगे, ठीक है? असलम चिकन आ गया भाई। असलम चिकन कहाँ है? तो ये असलम चिकन पे आ चुका है बटर चिकन, और ये थोड़ा टिक्के टाइप है, तंदूरी में बनाया हो, साथ में रुमाली है, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फूड ब्लॉगर नहीं। तो अभी 8 बज गए हैं और 8 बजे पूरी मार्केट बंद हो रही है ड्यू टू लॉकडाउन एंड दिस कोविड। 8 बजे सारा बंद करवा दिया और पुलिस भी घूम रही है। ये देख लो ये फूड स्ट्रीट है, पहले जगमगा रही थी, अभी देखो लाइटें बंद हो गई है पूरी।
तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, और हमारे साथ भैया जी हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश। सुरेश। तो सुरेश भैया हमारे साथ, कितने साल से रिक्शा चला रहे हो सुरेश भैया जी? 35 साल से रिक्शा चला रहे हो। तो हमारे सुरेश भैया बहुत मेहनती हैं और हमें मेट्रो तक छोड़ के आ रहे हैं, और इन्होंने अच्छी बार्गेनिंग भी कर दी हमारे साथ। 40 बोला, हमने बोला 30, आराम से मान गए क्या भैया? चलो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, मुझे कुछ बातचीत करनी हो तो वहाँ बातचीत कर सकते हैं।